जेके न्यूज असलाकुम जे के न्यूज के साथ मैं हूं उमारा रियाज आज की हेडलाइंस। आजाद कश्मीर के तमाम शहरों और देहातों में तवील तरीन लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए शहर शहर और नगर नगर, नगर एहतजाज ही एहतजाज जबकि पुंछ ताजर एक्शन फोरम ने बिजली की तवील गैर एलान या लोड शेडिंग के खिलाफ इक्कीस जून से गैर मोयना मुद्दत के लिए शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि पूरी कौम चीफ जस्टिस के तहत उसके लिए एक है चीफ जस्टिस ने अपने बेटे को इंसाफ कटहरे में खड़ा करके पाकिस्तान की तारीख में नई मिसाल कायम की है आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों में मैरिट पामाली केस की समाप्त एडवोकेट जनरल की इस्तह पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला यकसू करने के लिए 28 जून तक की मोहलत दे दी वजीर अजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि प्लानिंग कमीशन हुकूमत पाकिस्तान की मरकजी तरक्याती वर्किंग पार्टी ने 8,802 मिलियन रुपए के मनसूबाज मंजूर कर लिए हैं मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा है कि शहदा गयारी में कश्मीरी नौजवानों की शमूलियत कश्मीरियों के दिफाए पाकिस्तान के लिए अपने खून जिगर से आबियाारी की बेमिसाल दलील है आज़ाद कश्मीर के गुजरात की अवामी मसाइल के हल में आदम दिलचस्पी के बायस आजाद कश्मीर भर के अवाम खवार दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए गुजरा की दफातर ऐसी हाजिरी की बिना आरोप दार अवाम ने छोटे छोटे मसाइल के हल के लिए भी वजी आजम हाउस का रुख कर लिया नाइन इलेवन और सेवन सेवन के बाद मुसलमानों आरोप अरसा हयात तंग होने के बावजूद और अम मुसलमानों की कामयाबी जारी हाफिज आसिम ने कम उम्र एम बी e. का एजाज हासिल कर लिया सिंथोलॉजी ब्रसल्स में इंटर कॉन्फ्रेंस का इनका इस्लाम अम का मतलब है कि उन्मान से तकारीर की गई। इस हवाले से खबरनामे में शामिल है खूबी रिपोर्ट आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों और देहातों में तवील तरीन लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए शहर शहर और नगर नगर, नगर एहतजाज ही एहतजाज जबकि ने बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ इक्कीस जून से गैर मुइना मुद्दत के लिए शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया आजाद कश्मीर भर में बिजली की तवील तरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग ऐसी सताए हुए अवाम हुक्मरानों ऐसी मायूस होकर सड़कों पर निकल आए शहर शहर और गली गली हुक्मरानों वापदा और महकमे बरकियात का मातम जारी है आवाम ने मेन शहराएं बंद करके उन पर टायर जलाए और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला भी जारी रखा आज़ाद कश्मीर के शहरों मुजफ्फराबाद, मीरपुर भिम्बर डडयाल चकसवारी इस्लामगढ़ काकड़ा टाउन खड़ी शरीफ जातला कोटली कोरटा और चढ़ोई के अलावा दीगर मुकाम पर वसी पैमाने पर एहत और मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है उधर अंजुमन ताजरान पुंछ रवीन का हंगामी इजलास मुनद हुआ इजलास से सरदार इफ्तार मुश्ताकूक बेग जरगर, सरदार अब्दुल क्यूम चुगताई डॉक्टर रियाज अब्बासी खान असगर खान और दीगर ने खिताब करते हुए कहा हड़ताल को मॉनिटर करने के लिए सैयद शबीर शाह की सरबराही में एक्शन कमेटी तश्ल दे दी गई है इजलास से खिताब करते हुए मुक्रीन ने कहा कि लोड शेडिंग ने ताजरों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है मरकजी ताजर पुं एक्शन फोरम की अपील पर 21 जून से मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की जाएगी जो मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगी अंजुमन ताजरान ने सब्जी और फ्रूट के कारोबार करने वाले ताजरों से कहा कि वो बीस जून के बाद माल ना मंगवाए उन्होंने कहा कि बाघ के, के गिरदो नवाह में तमाम बाजार मुकम्मल बंद रहेंगे उन्होंने कहा कि इक्कीस जून को चार इजला में एक साथ हड़ताल होगी इजलास में हड़ताल को कामयाब बनाने की और सब्जी फ्रूट की दुकानों समेत दीगर दुकानें बंद रहेंगी मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि पूरी कौम चीफ जस्टिस के तहफ के लिए एक है चीफ जस्टिस ने अपने बेटे को इंसाफे कटेरे में खड़ा करके पाकिस्तान की तारीख में नई मिसाल कायम की है मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आजाद कश्मीर के दौरे के दौरान वादी नीलम में कंट्रोल लाइन के करीब एक अवामी इज्तम से खिताब कर रहे थे उनका कहना था कि हुकूमत चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है चीफ जस्टिस की तरफ से अपने बेटे को अदालत में तलब करना काबिल तहसीन इकदाम है पाकिस्तान में इसकी मिसाल नहीं मिलती चीफ जस्टिस को ये मालूम होना चाहिए की वो पूरी कौम के चीफ जस्टिस हैं पचानवे फीसद उनके साथ खड़ी है नवाज शरीफ का कहना था कि अगर मुहतरमा बेनजीर भुट्टो से होने वाले पर अमल दरामद कर दिया जाता तो आज पाकिस्तान का नक्शा कुछ और होता है तो आमरो से भी दो हाथ आगे निकल चुके हैं नवाज शरीफ ने कहा के हम असूलों पर डट कर अपना इकतदार गंवाते हैं और साथ साथ जिलावतनी भी काटते हैं जबकि हुक्मरान हर काम में धांधली करना अपना शेवा समझते हैं उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को एटमी बनाया, आज भारत का सोच भी नहीं सकता मुस्लिम लीग नून बरसर इक्तदार आकर वादी नीलम की दूर करने यहाँ पर यूनिवर्सिटी के क्या और मोटरवे तमीर करके अवाम की महरूमियों का खात्मा करेगी आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलो में मैरिट पामाली केस की समाप्त एडवोकेट जनरल की इस्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला यकसू करने के लिए 28 जून तक की मोहलत दे दी सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर के तीन रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आजम खान जस्टिस राजा सईद अकरम खान जस्टिस सरदार सादिक खान पर मुश्तमिल था ने मेडिकल कॉलेजेस में मुबैना तौर पर दाखिलो में मेरट की पामाली बारे दायर रिट पटिशन केस की समाप्त की अदालत ने केस की समाधत के दौरान बेनजीर भुटो शहीद मेडिकल कॉलेज मीर वायज शहीद मेडिकल मुजफ्फराबाद के प्रिंसिपल और एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ को तलब कर रखा था केस की समाप्त शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल राजा ऐसी अदालत ने इस अफसार किया कि इस अहम केस बारे हुकूमत ने क्या पेशरफ की है इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि मोजज अदालत अगर कुछ वक्त दे तो वजीर आजम ऐसी मुशावरत करके जिन बच्चों की हक तलफी हुई है उनको अकोमोडेट करवाने के लिए कोशिशें कर सकते हैं जिस पर मोजद जस्टिस आजम खान ने रिमार्क्स दिए बच्चे कौन के मेमार हैं मामला अहमियत का हामिल है इसमें गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर आप अकोमोडेट करवाने के लिए कोशिशें कर सकते हैं तो 28 जून तक मोहलत दी जाती है वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि प्लानिंग कमीशन हुकूमत पाकिस्तान की मरकजी तरक्याती वर्किंग पार्टी ने आठ हज़ार आठ सौ दो मिलियन रुपए के मनसूबाजा मंजूर कर लिए हैं चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की खसूसी हदायत के तनाजुर में मोहतरमा बेनज़ीर नज़ीर भुटो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर और मौलवी मोहम्मद फारूक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर की तमीर और तरक्की खूसी तौर पर सरहदी इलाकों की बुनियादी जरूरत की फरहमी और सरसब्जो हनरमंद कश्मीर प्रोग्राम आरोप अमल दरामद के लिए प्लानिंग कमीशन हुकूमत पाकिस्तान की मरकजी तरक्याती वर्किंग पार्टी ने आठ हजार आठ सौ दो मिलियन रुपये के मंसूबाज मंजूर कर लिए हैं मीडिया ऐसी गुफ्त करते हुए वजीर आजम आजाद कश्मीर ने कहा कि इन मनसूबों में प्यारा कश्मीर प्रोग्राम के लिए एक हजार तीन सौ छियानवे इशारिया पाँच सौ तीस मिलियन रूपए सरसब्ज हुनरमंद कश्मीर प्रोग्राम के लिए सात सौ छियासी इशारिया सात नौ तीन मिलियन रूपए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर के लिए तीन हजार एक सौ छिहत्तर इशारिया दो नौ पाँच मिलियन रूपए और मेडिकल कॉलेज मीरपुर के लिए दो हजार सात सौ दो इशारिया चार एक सिफर मिलियन रूपए के अहम मनसूबा शामिल है इन मनसूबा पर अमल दरामद ऐसी अवाम को मुख्त शोबाज में खूसी दस्तियाब होंगी वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली की तरफ ऐसी आजाद कश्मीर की तरक्की के मनसूबाजा के लिए लेते हुए, प्लानिंग पाकिस्तान ऐसी मंजूरी आरोप उनका शुक्रिया अदा किया और कहा की वफाकी जिस फराह दिली ऐसी आजाद खिता की तमीर तरक्की और अवामी फलासूबों में खूस दिलचस्पी ले रही है इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कश्मीरी आवाम को सहूलियात की फरा के से बड़ी मदद मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के सदर राजा मोहम्मद राजदर खान ने कहा है की शोहदा गयारी में कश्मीरी नौजवानों की शमूलियत कश्मीरियों की दिफाए पाकिस्तान के लिए अपने खून जिगर से आबियारी की बेमिसाल दलील है। नवाज शरीफ ने शोहदा की दिलजोई करके हौसलों को बुलंद किया है राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि कौमों के अंदर शोहदा अजमो हिम्मत और हौसले की अलामत हुआ करते हैं दिफाए वतन के लिए सरहदों पर जामे शहादत नोश करने वालों में कश्मीरी शोहदा का खून भी शामिल है जे के न्यूज से गुफ्तु करते हुए राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि ग्यारी में कश्मीरी नौजवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश करके पाकिस्तान से अपनी दिली वाबस्तगी साबित कर दी है आज पूरी कश्मीरी कौम उन शहदा पर नाजा है उन्होंने कहा की कश्मीरी नौजवान जज्ब हुबुल वतनी ऐसी सरशार होकर आजमाइश की कड़ी धूप में सरहदों का तहफुज कर रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने शोहदाय ग्यारी के खानदानों के दरमियान बैठ कर पाकिस्तान के सबसे बड़े अवामी लीडर होने का सबूत दिया है फारूक हैदर खान ने कहा की मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने शोहदाय ग्यारी के खानदानों ऐसी दिलजोई करके कश्मीरियों के हौसले बुलंद कर दिए नवाज शरीफ जैसी क्यादत की मौजूदगी में दिफाए पाकिस्तान पर कोई आंच नहीं आ सकती खाने पर मजबूर हो गए की, में हाजरी की बिना पर दारकूमत वीरान आवाम ने छोटे छोटे मसायल के हल के लिए भी वजीर अजम हाउस का रुख कर लिया हकूमत आज़ाद कश्मीर के तरक्याती काम और वजी अजम के इनकलाबी इकदाम अपनी जगह दुरुस्त हैं मगर हुत आदाद कश्मीर के जयाले वज़रा की अवामी मसाइल के हल में अदम दिलचस्पी ने आजाद कश्मीर को मसाइल स्थान बना दिया है हुकूमत मुजफ्फराबाद की अवाम दरबर की खाने पर मजबूर है मुतल महकमो के वज़रा की अपने अपने दफातर में अदम हाजिरी की बिना पर अवा मसाइल हल करवाने के लिए वजीर आजम हाउस का रुख करने लगे उधर सूरत हाल ये है की वजरा न तो अपने नाक पर मखी बैठने देते है और ना ही परों पर पानी पड़ने देते हैं ज्याला नवाजी अपने उरूज पर है वज़रा की दारकूमत बाद में अदम हाजरी की बिना पर वेरानी का आलम है जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की आला क्या ने पीपल्स पार्टी आदाद कश्मीर से इस्तफ़सार किया है कि जो वजरा अपने दफातर और हलकों से गायब हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं इंतहा बाबसुक के मुताबिक बहुत जल्द हुकूमत आदाद कश्मीर कारकरी न दिखाने और करप्शन में मुल्व होने वाले चंद एक वजरा के खिलाफ एक्शन लेने को है एक मखसूस वक्त आने आरोप वजरा के महकमो की तब्दीली और वुजरा को बे किए जाने के इम्कान भी है बरतानिया में कोसोफो के सफी डॉक्टर एम हमीती ने बरतानिया में आबाद मुसलमानों की ख़िदमत को सराहते हुए कहा है कि पुरान पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी काबिल तारीफ है बरतानवी मुसलमानों की बोस्निया के लिए ख़िदमत अमत मुसलमा के लिए सरमाया इफ्तार हैं लंदन के मुकामी होटल में मुस्लिम एड के सेक्रेटरी जनरल और यूके इस्लामिक मिशन के बानी तंजीम वास्ती और मुमताज अब्दुल रशीद के एजाज में यूके इस्लामिक मिशन की जानब से एक इशाया का काम किया गया जिससे जमहूरिया कोसोवो के सफी डॉक्टर मोहम्मद हमीती पाकिस्तान हाई कमीशन के वेलफेयर काउंसलर सरदार बल्ख शेर खोसा के अलावा सर इकबाल सकरानी और सदर यू के इस्लामिक मिशन जाहिद परवेज ने भी खिताब किया कोसोबो के सफी डॉक्टर मोहम्मद हमीती ने अपने खिताब में बरतान में मुकिन मुसलमानों और खास तौर पर पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तारीफ करते हुए कहा की कोसोवो और बोसनिया के मुसलमानों के लिए भी अपनी कदर ग्रांत की बदौलत एक सरमा की हैसियत रखते हैं उन्होंने अपनी तकरीर में कहा की तंजीम वास्ती यूरोप के मुसलमानों के लिए एक मशले राह है इस मौका पर उन्होंने अब्दुल रशीद की खिदमात को सराहते हुए कहा की अब्दुल रशीद की तसानीफ उनकी खिदमत का मुंह बोलता सबूत है इस मौका पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के वेलफेयर काउंसलर सरदार बल्क शेर खोसा ने अपनी तकरीर में तनजीम वास्ती और अब्दुल रशीद को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इन शख्सियात पर आज बरतानिया में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी और मुसलमान फखर महसूस करते हैं उन्होंने इस मौका पर बरतानिया की जेलों में कैद पाकिस्तानी कैदियों की हालत का जिक्र करते हुए कहा कि यूके इस्लामिक मिशन उनकी मदद के लिए आगे बढ़े पाकिस्तानी हाई कमीशन अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाती है तंजीम वास्ती और अब्दुल रशीद ने इस मौका पर यूके इस्लामिक मिशन का शुक्रिया देते रहेंगे। बरतानिया के शहर सिटी काउंसिल की जानब ऐसी हाफिज आसिम और मुशीर शौकत राजा के एजाज में इस्तालिया दिया गया मजहबी स्कॉलर हाफिज आसिम ने कम उम्र में एजाज हासिल किया है बरतानिया से जे के न्यूज के नुमाइंदे अर्शद की रिपोर्ट लीड सिटी हॉल के सिविक हॉल में चेयरमैन लीड नॉर्थ वेस्ट एरिया कमेटी काउंसलर जावेद अख्तर और डिप्टी वेब लेबर ग्रुप लीड सिटी काउंसलर असगर कुरैशी की जानब ऐसी मुशी वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ब्रा सियासी अमूर राजा शोकत खालिक और बरतानिया के मारूफ मजहबी स्कॉलर हाफिज आसम को मल्ह बरतानिया की तरफ से मेम्बर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का एजाज मिलने पर इस्तकबालिया दिया गया इस्तकबालिया तकरीब की सदारत लीड सिटी कौंसल की डिप्टी लीडर पीटर ग्राउंड ने की तकरीब से मुशीर आज़ाद हुकूमत राजा शौकत खालिक ने खिताब करते हुए कहा के नाइन इलेवन और सेवन सेवन के बाद मुसलमानों को अमरीका यूरोप और बरतानिया में शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा मगर इसके बावजूद पाकिस्तानी और कश्मीरी मुसलमानों को मल्ह बर्तानिया की तरफ ऐसी -E नवाजना और माँ है और उन्होंने जमहूरी अकदार और रवायात को बरकरार रखकर साबित किया है की आज भी बरतानिया अपनी आवाम के हकूक और इज्जत नफ्स का पूरा ख्याल रखती है उन्होंने कहा की पाकिस्तान व आजाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमते हैं जो मुकम्मल जमहूरियत आरोप यकीन रखती है मैं Empire हाफिज आसम ने कहा कि इस्लाम अमनो आश्ती का दर्श देता है अगर हम इस्लामी अखदार को सामने रखकर अपनी जिंदगी गुजारे तो हमें कभी कोई कटहरे में खड़ा नहीं कर सकता हालात कैसे ही हो, मगर इस्लामी तालीम पर अमल पैदा हुआ जाए तो कोई मुश्किल नहीं है उन्होंने कहा की हम यहाँ मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं और हमेशा दूसरी कम्युनिटीज को भी इज्जत की निगाह ऐसी देखते हैं उन्होंने कहा की मेरा मेम्बर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का एजाज लीड्स की तमाम कम्युनिटी की मोहब्बत इखलाक और भाईचारे की मरहूने मिन्नत है तकरीब से जैम मकाना सबक लॉड मेयर कौंसलर मार्क डबन कौंसलर जावेद अख्तर जम्मू कश्मीर तहरीक हक खुदरादियत यूरोप के चेयरमैन राजा नजावद हुसैन सबक लॉर्ड मेयर राजा गफर खालिक बैस्टर इसहाक कुरैशी कौंसलर गुलाम हुसैन कौंसलर मोहम्मद रफीक अरशद हुसैन खटाना सबक लॉर्ड मेयर चौधरी मोहम्मद इकबाल सबक एम पी जॉन बीटल लियाकत अली एडवोकेट अब्दुल गफूर रतयाल कौंसलर यूलैन उम्मीदवार ब्राए पुलिस कमिश्नर मार्क बर्न वेलमसन सबक चेयरमैन मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी चौधरी मोहम्मद सिद्दीक राजा खान मुशी वजीर आज आजाद कश्मीर ब्राय ओवरसीज खान के इलावा, लिए बड़े चौतीस साल मजहबीर हाफिज आरोप उम्र एम बी बने हैं उन्होंने कहा की ये बरतानिया ही का तुरै इम्तियाज है की यहाँ आरोप तमाम कौमे मिलकर रहती है और हर किसी को मुकम्मल मजहबी आजादी है उन्होंने कहा की मुशीरेकूमत आजाद कश्मीर भी वापस जाकर अपनी हुकूमत को मशुरा दे कि वहाँ पर भी इसी तरह का मॉडल रोल अदा करे जे के न्यूज ऐसी राजा हुसैन कुरैशी, मार्क बर्न वेलमन सबक लाडमेयर मोहम्मद इकबाल कौंसलर गुलाम हुसैन कौंसलर असगर कुरैशी और कौंसलर जावेद अख्तर ने भी इजार ख्याल किया हमारे लिए आज ये बड़े एजाज का दिन है की एम बी ए का आनर दिया गया है जो मैं समझता तो हूँ हमारे मुस्लिम नौजवानों के लिए और खसूस जो हमारे कराम के हैं उनके लिए बड़े एजाज़ का दिन है आज जो लीड में जना मशीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर राजा शोकत साहब के आज़ाद में और लीड के नौजवान कारी आसम साहब को जो एम बी एवॉर्ड मिला इस सिलसिले में जो सेलब्रेट हुई है मैं सब मैं आज एफ पी पार्टी ka president ki asiye se main sab ko khush hello i am mark burns williams the labour party candidate for police and crime commissioner in west yorkshire I'm delighted to be here tonight to celebrate the mbe for the imam a very well deserved award and i look forward to working with all the uh, communities hearing leads to try and make sure that i am elected the police and crime commissioner for west yorkshire in november और पूरे शहर को और पूरे पूरी शहर के बल्कि यूके के मुसलमानों को काली साहब पर फख्र और नाज़ है और मेरे ख्याल में ये पहले इमाम हैं और लीज के पहले मुसलमान हैं जिनको ये बड़ा एजाज़ मिला और हम सब के लिए बहुत ही फख्र का मौका है चाहते कम्यूनटी को ईज़न सारी कम्यूनिटी ना उनकी एम बी ई ना एजाज़ में क्वीन ने आनर्ज लिस्ट उनकी मुबारक देने वास्तव दूसरा पाकिस्तान तो तशरी आज़ाद कश्मीर तो तशरी लाएसन राजा शोकर साहब जेडे एडवाइज़र है पोलिटिकल आज़ाद कश्मीर ने प्राइम मिनिस्टर चौधरी अब्दुल मजीद साहब ना उन्हें इजाजत लीडर्स ने बहुत सारे लोग ब्राइफ्रूट ने मेहमान सारे कठे थे तो सारे उन्होंने बड़ा वेलकम किया और, और बड़ी खुशी है जनाब कि असा इतना तौा मौका दिता कारी साहब और पोलिकल एडवाइजर एजेके ने शुक्रिया अद करना चाहिए लीड सी कॉन्स वेलकम कर लीड सी कॉन्सल जी उन्होंने जी मैं सबसे पहले तो इस खुशी के मौके पर कारी साहब कौम ने यहाँ पे खुशमदीद कहा जो कि हमारे पहले अमाम है पूरी बरतानिया के जिन्हें एम बी ई का अवार्ड मिला कश्मीर से जो कि पोलिटिकल एडवाइज़र हैं कूमत आज़ाद कश्मीर के आ, मैं महसूस करता हूँ कि जो आज उन्होंने देखा यहाँ की जो सेटअप थी आ, और उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपनी हुकूमत को इसी तरह एडवाइज़ करेंगे कि हम आ, का जो यहाँ पे सिस्टम है कि हमने तमाम कम्युनिटी को साथ मिलाकर चला चले और उम्मीद करते हैं कि आज़ाद कश्मीर की तमाम जो कौमें हैं वो भी इसी तरह गुलदस्ता बनाएँगे आज़ाद कश्मीर सकाफत और तहजीब तमदन का नाम है खेलों में अगर हुकूमत सरपरस्ती करे तो मार्शल आर्ट में भी नौजवान आला कारकर्दगी का मुजाहरा करके दुनिया में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं देखते हैं चुनेदारी की खसूसी रिपोर्ट मार्शल आर्ट्स का खेल जमाने कदीम से नौजवानों में बेपनाह मकबूलियत रखता है जहीर जाफरी गुजश्ता कई सालों से मीरपुर आजाद कश्मीर में इस नादिर खेल को न सिर्फ तने तनहा जिंदा रखे हुए हैं बल्कि उनकी काविशों से उनके कई इस वक्त दुनिया भर में कश्मीर और पाकिस्तान का नाम मार्शल आर्ट्स में रोशन कर रहे हैं गुजश्ता रोज उन्होंने ऑफिसर क्लब मीरपुर में इन्हीं नौजवानों और बच्चों की तरबियत मुकम्मल होने वाले नए बैच में नुमा दिखाने वाले मार्शल आर्ट्स प्लेयर्स की हौसला अफजाई के लिए तकरीब तकसीम इनामत का इनका किया सदर कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर सैयद आबिद हुसैन शाह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नौजवान रहनुमा वकास अशरफ और दीगर अमायदी शहर ने जहर काजमी मार्शल आर्ट डॉन के हमरा बच्चों और नौजवानों में इनाम तकसीम किए आज़ाद कश्मीर का ये खिता इंतहाई जरहेज है लेकिन जरूरत इस अमर की है की सिविल सोसाइटी और मुहैया हजरा के साथ साथ सबसे पहले रियासत और हुकूमत अपने फरयज़ अदा करें और उन नौजवानों की हौसला अफजाई करें जो नस्ल की मनशात और दीगर मनफी सरगर्मियों से हटा कर सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ मरकूज करना चाहते हैं ट्रेनिंग करने ही से हमारे जो हॉस्पिटल है वो वेरान होंगे घरों जो आबाद होंगे और इससे मोहब्बत और भाईचारा बढ़ता है इस गेम में अमन और शांति का पेगाम है हम जहाँ जाते हैं जैसे कि आल पंजाब में हमने थर्ड पोजिशन ली तो इसी जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो आल पाकिस्तान नेशल पाकिस्तान है उसमें भी हम लोग मेडल लेके आ सकते हैं अगर हमारी मकजू सरपरस्ती की जाए जबकि गवर्नमेंट लेवल पे हमारी कोई सरपरस्ती नहीं है ना ही हमें कोई फ़ंड दिए जाते हैं हम लोग अपनी मदद आपके तहत इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और इन स्टूडेंट को आगे लेके जाते हैं जैर जाफरी साहब आज उनको उनकी सारी टीम को इस क्लब में परफॉर्मेंस देने पर उनकी सारी परफॉर्मेंस को देख कर मैं अपने तौर पर बहुत सरप्राइज़ हुआ हूँ और उनकी तमाम जो एक दास्तान है अपने इस क्लब की कि नेशनल लेवल तक हमारे जो लड़के जो गोल्ड मेडल हासिल किया मैं समझता हूँ कि मीरपुर शहर जिसको मिनी लंदन के तौर पर कहा जाता है मैं मिरप अलिया मीरपुर से जो है वो मैं गुजारिश करूँगा कि हमें चाहिए कि हमें इस तरह के टैलेंटेड लड़कों को हमें बूस्ट अप देना चाहिए ताकि हम कौमी लेवल तक पहले आज़ाद कश्मीर लेवल तक खेलें उसके बाद कौमिया लेवल तक खेलें इसमें मैं मैंकूत आज़ाद कश्मीर से जो भी मुतालबा करता हूँ मैं बैसीत मुस्लिम कन्फ्रसी कारकुन होने कीसीयत से भी मैं इस चीज़ को सराहता हूँ तमाम अफसरान और जितने भी हमारे मेहमान हैं उन कहूँगा कि आप हमारी सपोर्ट करें कराटे करता हूँ मेरा मुझे बहुत मजा आता है मैं पूरे पाकिस्तान आजाद कश्मीर का नाम रोशन करना चाहता हूँ कराते खेलने से बंदा मजबूत होता है और मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा गुड मैं बताऊँगा जरूरत यह है कि इनकी सरप्रस्ती करे जुनेदारी जे के न्यूज मीरपुर आजाद कश्मीर चर्चेज ऑफ सिंथोलॉजी का इनका इस्लाम अमन का मजहब है किनवान से तकारीर की इस हवाले से देखते हैं ब्रसल्स से इमरान बेग की खसूस रिपोर्ट चर्चिज ऑफ सेंथोलॉजी ब्रसल्स में इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का इनका हुआ जिसमें मुस्लिम ममालक के मंदोबीन ने शिरकत की कॉन्फ्रेंस में इस्लाम अमन का मजहब है इस मौजू पर सरदार जावेद जरवर और बाबर अली आजाद ने तकारें की और कहा कि दीन इस्लाम अमन का पैगाम लेकर आया और कुरान हकीम मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए मकमल जबता हयात है और नबी करीमल वसम ने भाईचारा और सरार मस्तकीम पर चलने की तलकिन की चर्चिज़ ऑफ सेंटालोजी के पब्लिक फेयर के डायरेक्टर मिस्टर क्रिश्चियन मायर ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुख्तिक मजहब के मानने वालों को इकट्ठा करना था The So they start to discuss, to see the difference and the common points, because there is a lot of common points, for example, between the Scientology and the teaching of Koran, there is a lot of common points, and with also the Catholics, with the Protestants, which is Christian people, even with Buddhism uh, and in fact, all the religions आप क्या समझते हैं कि इस तरह के डिबेट्स और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए? हाँ ऑफ़ कोर्स होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमारे इस्लाम के बारे में जो लोगों को शको शबहद हैं वो दूर होने चाहिए एज ए मुसलमान हमें बड़ी खुशी हुई है कि ये एक चर्च के अंदर ये प्रोग्राम हुआ है और इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया कि इतनी बड़ी काविश मतलब कोई एक पाकिस्तानी कर सकता है और ख़ास तौर से ये चर्च वाले मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये चर्च वाले हमें मतलब जो है ये चांस दे रहे हैं कि हम अपना व्यू ऑफ पॉइंट दें लेकिन यहाँ ये जो सब कम्युनिटी के लोग थे तो ज़्यादा अच्छा लगा है और इन अल्लाह हम बरकत दे हमारे काम में हमारे लोगों को और हिम्मत दे इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाजत मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू हर खबर पुर असर